हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टडी क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास के विषय अंग्रेजी का वर्कशीट नंबर ट्वेंटी तो बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर ट्वेंटी में लेसन ट्वेंटी हु विल बी निंगथ पढ़ेंगे द निंगथ एंड लेमा किंग एंड क्वीन ऑफ मणिपुर निंगथो और लईमा मणिपुर के राजा और रानी जिन्होंने ruled ओवर their पीपल अपने लोगों पर ruled बोलते हैं शासन करना अपनी प्रजा पर शासन किया हु लव्ड them, जो उन्हें बहुत प्रेम करते थे द पीपल इन द किंगडम लिव हैप्पीली एंड पीसफुल्ली उनके साम्राज्य में लोग खुशी से और शांति से रहते थे बट एज दर्स पास्ड लेकिन जैसे ही वर्ष बीतते गए इट वॉज टाइम टू डिसाइड थ्रोन अब यह निश्चित करने का समय आ गया कि थ्रोन बोलते हैं राजगद्दी कि राजगद्दी का अब अगला राजा कौन होगा द किंग एंड क्वीन हैड फोर चिल्ड्रन राजा और रानी के चार बच्चे थे थ्री सन्स एंड वन ड्योटर तीन बेटे और एक बेटी एंड एवरी वन था इट विल बी वन ऑफ द सन एज इट हैड ऑलवेज बीन सभी ने सोचा था कि तीनों बेटे में से एक होगा जैसा कि पहले से होता आया है हाउ एवर लेकिन फिर भी दे चूज द ड्योटर फॉर शी द राइट क्वालिटीज दैट मेड अ गुड रूलर लेकिन उन्होंने बेटी को चुना क्योंकि उसमें वो सभी क्वालिटीज क्वालिटीज बोलते हैं गुण वो सभी सही गुण थे जिन्होंने उसे रूलर बोलते हैं शासक रूलर बना दिया अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन नेम द प्लेस इन मनीपुर वेयर एंड लेमा रूल्ड उस स्थान का नाम बताइए मणिपुर में जिस पर और लेमा ने शासन किया था तो स्टूडेंट दैट प्लेस वाज कांगले पैक नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर राजा कैसे अपने भविष्य के शासक को चुनना चाहता था सेलेक्ट बोलते चुनाव करना answer is the king wanted to select their future ruler by holding a contest contest is called for प्रतियोगिता तो राजा अपने भविष्य के शासक को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुनना चाहता था स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टूडेंट्स इन योर क्लास नो बच्चों आपको विभिन्न प्रकार की भाषाओं को लिखना है जो कि आपकी क्लास के बच्चे जानते हैं दैट इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन द फाइव क्वालिटीज ऑफ ए गुड रूलर एक अच्छे शासक की पांच क्वालिटी बोलते हैं गुण को पांच गुण लिखिए फर्स्ट इज ए गुड रूलर शुड ऑलवेज थिंक अबाउट देयर पीपल एंड देयर स्टेट एक अच्छे शासक को हमेशा अपने प्रजा अपने लोगों के बारे में देअर स्टेट अपने साम्राज्य के बारे में सोचना चाहिए सेकेंड इज ए गुड रूलर शुड फील द पेन ऑफ द पीपल द एनिमल्स द बर्ड्स एंड द ट्री एक अच्छे शासक को हमेशा अपने लोगों का अपने सभी जानवरों का बर्ड्स का पक्षियों का पेड़ पौधों के दुख को महसूस करना चाहिए नेक्स्ट इज ए गुड रूलर शुड बी ब्रेव एक अच्छे शासक को हमेशा बहादुर होना चाहिए नेक्स्ट इज ए गुड रूलर शुड बी ओपन हार्टेड एक अच्छे शासक को हमेशा ओपन हार्टेड बोलते हैं दानी को दानी होना चाहिए लास्ट इज ए गुड रूलर शुड हैव गुड सेंस ऑफ जस्टिस एक अच्छे शासक में हमेशा न्याय का भाव होना चाहिए लेट सी क्वेश्चन नंबर फाइव मैच द पिक्चर ऑफ पीपल विद देयर लैंग्वेज बच्चों अब हमें क्या करना है यहाँ पर जितने भी पीपल दिए गए हैं उनकी क्या क्या लैंग्वेज है हमें उनसे मैच करना है फर्स्ट पीपल बिलोंग टू पंजाब सो हिज लैंग्वेज इज पंजाबी नेक्स्ट इज दिस पिक्चर बिलोंग फ्रॉम मणिपुर सो लैंग्वेज इज मणिपुरी नेक्स्ट इज मलयालम एंड लास्ट वन बिलोंग फ्रॉम गुजरात सो द लैंग्वेज इज गुजराती लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट डाउन द पास टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बच्चों हमें नीचे दिए गए शब्दों को पास टेंस में चेंज करके लिखना है फर्स्ट हैज डन पहला जो है वो किया हुआ है कैसे करना है कैरी कैरिड फर्स्ट इज मैरी मैरी पास टेंस इज मैरिड लैंड लैंडेड शाउट साउटेड प्रूव प्रूव्ड रिमेन रिमेंड फिनिश फिनिश्ड चार्ज चार्ज Love, loved, live, lived. बच्चों सेवन राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फेमस पीपल एंड राइट वर्ड दे आर फेमस फॉर बच्चों हमें नीचे कुछ पिक्चर दी गई हैं इन पिक्चर्स में जो पीपल हैं हमें उनके नेम राइट करने हैं और वो किस लिए फेमस थे उनके बारे में लिखना दिस इज महात्मा गांधी ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन उन्हें राष्ट्र का पिता बोला जाता है ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर नेक्स्ट पिक्चर रबीन्द्रनाथ टैगोर ही इज कॉल्ड जय गुरुदेव ही इज फेमस फॉर इज वर्क बिकॉज ही वॉज अ पोइट दिस इज सचिन तेंदुलकर ही इज नन एज गॉड ऑफ क्रिकेट एंड कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर दिस पिक्चर बिलोंग फ्रॉम मेरी कॉम वो बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध हैं नेक्स्ट इज रानी लक्ष्मीबाई उन्हें झांसी की रानी कहा जाता है शी इज ए इंडियन क्वीन ऑफ मराठा प्रिंसली स्टेट नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर दिस इज भगत सिंह ही इज कॉल्ड सरदार ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर इंडियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू